हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम बांकुड़ा सोमलोने मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल के बारे में बात करेंगे, जो है कि फर्स्ट ईयर को कॉटेज हॉस्टल दिया जाता है। तो आप सामने देख रहे हैं, ये है लोकपुर कैंपस BSMCH का, और इस लोकपुर कैंपस के ठीक सामने ही है कॉटेज बिल्डिंग, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये लोकपुर कैंपस और उस साइड है कॉटेज बिल्डिंग, आप देख सकते हैं वो जो साइन बोर्ड है कॉटेज बिल्डिंग का, तो एकदम सामना सामनी है। तो चलिए कॉटेज बिल्डिंग में जाके मिलते हैं। तो जैसे कि मैं कह रहा था, वो है लोकपुर कैंपस और उसके ठीक सामने ही है कॉटेज बिल्डिंग, तो एकदम सामना सामनी है, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। चलिए अंदर जाके दिखाता हूँ। तो कॉटेज में ऐसे साइड वाइज सारे रूम दिए गए हैं, तो चलिए आपको एक रूम दिखा देता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, इस रूम में दो बेड है और हर एक रूम में दो बंदे ही रह सकते हैं। बेड के साथ साथ सही से लाइट और फैन की व्यवस्था है, और आपको पढ़ने के लिए एक अलग से स्टडी टेबल भी दिया जाता है। और ये रूम भी आप देख सकते हैं, काफ़ी बड़ा है और बहुत ही अच्छा रूम है। और रूम के साथ साथ आपको साइड में छोटा सा स्पेस भी दिया जाता है, जहाँ पे आप अपने कपड़े मेल सकते हैं। बहुत बहुत ज़्यादा ही स्पेस है यहाँ पे, शाम को आके बैठ भी सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर सा स्पेस है। चलिए आपको एक और रूम का टूर करवा देते हैं। तो ये जो है कॉटेज का आखिरी रूम है, और सेम यहाँ पर भी दो बेड है, और ये रूम भी बहुत ही शानदार है, उसके साथ भी फैन और लाइट का सही व्यवस्था है। एंड यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, छोटा सा स्पेस दिया गया है। तो ऐसे तरह से कॉटेज में ऐसे साइड बाय साइड सारे रूम्स हैं, आप देख सकते हैं। और ये सिर्फ फर्स्ट ईयर के लिए ही अलाउड है, एंड ओनली फॉर बॉयज़। एंड हर एक रो के एंड में एक बाथरूम दिया गया है, बाथरूम भी नीट एंड क्लीन है, और उसके साथ साथ वाटर प्यूरीफाइंग की भी सही व्यवस्था है। यहाँ पर ब्लू स्टार का एक वाटर प्यूरीफायर रखा गया है, जहाँ से ठंडा और नॉर्मल दोनों टाइप के पानी आपको मिल जाएंगे। तो चलिए आपको कैंटीन दिखा देता हूँ। तो ये है कॉटेज का कैंटीन, यहाँ पर रोज़ खाना बनता है कॉटेज हॉस्टल के लिए। अब सामने से कॉटेज का एक व्यू देख लीजिए, ये है टोटल कॉटेज बिल्डिंग, बहुत ही खूबसूरत ये बिल्डिंग है। तो कैसा लगा ये वीडियो, हमें ज़रूर बताइए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।